कि पुरानी जनरेशन के साथ कुछ पुराने टाइप की प्रॉब्लम है, क्योंकि एक जो थिंकिंग है, एक मेंटालिटी उनने सेट कर रखी है, उनको जो यूथ अगर चेंज करने की कोशिश करता है या कोई भी चेंज करने की कोशिश करता है तो उस दौरान उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम है कि वो कहती तो है कि हम नई जनरेशन के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन वही है कि वो पुराने रीति रिवाजों की चलती है। फैमिली हैज़ नो इम्पोर्टेंस फॉर द एंड फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट टू देम ओनली टिल दे इट सर्व्स टू हेल्प देम मीट देयर नीड्स। व्हेन यू आर स्लीपिंग दे आर अवेक। पुराने टाइप की प्रॉब्लम है, कंजर्वेटिव ख्यालों की वजह से ही दोनों न्यू जनरेशन और पुरानी जनरेशन के बीच में प्रॉब्लम होती है। ओल्ड जनरेशन थिंक्स इन अ लिमिटेड डोमेन, कि मतलब उनकी सोचने का तरीका पुराने टाइप में है, कि वो सोचते हैं कि कहीं लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। इवन आई डोंट नो व्हाट दे आर लाइक, आई हैव टू यंग डॉटर्स, सो आई मीन इवन आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग इन लाइफ। एंबिशियस रादर ओवर एंबिशियस एंड दे वांट टू गेट इट डन वेरी क्विकली। पुराने टाइप की प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि वो नई चीज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनके लिए ट्रेडिशनल होनी चाहिए सारी चीज़ें। पापा मुझे ताने मारते रहते हैं कि तेरी उम्र में मैं इतना कमाता था, उतना कमाता था, और तू कहाँ गिटार सीखने जाता है। सर, वी थिंक व्हाटएवर वी थिंक इज राइट, आई मीन वी जस्ट वेरी इंपल्सिव इन डूइंग थिंग्स। आई थिंक टुडेज जनरेशन लैक्स कमिटमेंट, सिंसेरिटी, इंटेग्रिटी एंड दे जस्ट डोंट नो हाउ टू वर्क आउट। क्योंकि पुरानी जनरेशन के साथ कुछ पुराने टाइप की प्रॉब्लम है।